हाँ जी, बहुत ही शलाघाजोग उपराला वा कैप्टन का, और शलाघाजोग उपराला ता ही हाँ जे गुरद्वारे साहबां दे उत्ते जिहड़ी ओह माया जिहड़ी लगे, तो जे पहले ला रहे आंगो जिहड़ी आ उदा ही निघा देना, तो फिर तो चलो कागज़ पूर्ति इन्हां ने करनी ओह कर ही देनी आ, तो जे माया गुरु घरां दे उत्ते लगदी आ तो शलाघाजोग उपराला वा जी। इतिहास की है गुरुद्वारा साहब? इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब आए पातशाह, नवें पातशाह जदों दरिया पार कर लगे इत्थे ठहरे आ जी। इतिहास गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण छो प्राप्त गुरद्वारा साहब आ, और जिहड़ा जल दे विच सरूप पातशाह ने व्यासा रिखी उहनूं दित्ता सी, उह वी इसे स्थान दे उत्ते ही जिहड़ा पातशाह ने जल दे विच सरूप दित्ता सी। अमानत सर नाम पिया? हाँ जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने व्यासा रिखी ने कहा साडी अमानत तुसीं रख के जानी आ, ते सिंघ आउणगे ते तुहाडे कोल लै के जाणगे, तां करके इस गुरद्वारा साहब का नाम अमानत सर पै गया जी। हाँ जी, हाँ जी, की कहना चाहते जी, 400 साल श्री गुरु तेग बहादुर साहब की जन्मता भी आ रही है, किन्ना वड़भागा महसूस कर रहे हो, किस तरह मनाओगे? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये संगतां दे विच बहुत ही ज़्यादा उत्साह मनाया जा रहा है, क्योंकि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 400 साल आप मना रहे हैं ना, उदा करके इतने अगे पिछों भी संगत जो बहुत उत्साह के नाल आउंदियां, क्योंकि लंगर 24 घंटे चल रहा, बाणी का प्रवाह जो लगातार ही चल रहा है, कदी कोई इदा भी संगत दूरों नेड़े आदि दर्शन करके जांदियां वा, बहुत माण महसूस कर रहे हैं भी गुरद्वारा साहब विखे 400 साल जो गुरु तेग बहादुर साहब जी संबंध में मना रहे हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। भगत जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। जो कि यह गुरद्वारा श्री अमानतसर साहब ब्यास विखे 400 साल जिवें मनाउणा आपां अगला मार्च दे विच, इत्थे बहुत उत्साह नाल संगतां आउंदियां ने ते दर्शन करदियां ने, बहुत इतिहासिक जगह है अमानतसर साहब। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बहुत कृपा है, संगतां हम बखबा के बहुत दूरों दूरों इत्थे आउंदियां ने, ते इत्थे बहुत ही वधिया ढंग नाल जो कि प्रशादा 24 घंटे लंगर चलता वा इत्थे, ते संगतां छक के जांदियां वा। ते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरपंच ब्यास सुरेंद्रपाल सिंह। अमानत सर बहुत इतिहासक गुरद्वारा, श्री गुरु तेग बहादुर साहब चरण छो प्राप्त गुरद्वारा, ताडे प्यास दे विच सरकार वल्लों उन्हां दा 400 साल मनाया जा रहा, तुहानूं ग्रांट दित्ती जा रही है गुरद्वारा साहब नूं नवीनीकरण करन वास्ते, किन्नी ग्रांट है ते की उहदा सारा किस तरह तुसीं इहनूं देख रहे हो? गुरु तेग बहादुर जी दी नगरी च पंजाब सरकार ने स्पैशल ग्रांट अलाटमेंट कीती है जी, उदे वास्ते असी ब्यास पिंड ने पूरे अपने जिन्ने भी कम रेंदे सगे उदे एस्टीमेट बना के, गुरद्वारा साहब दे एस्टीमेट बना के सारे अपना ब्लॉक पद्धर दे असं दे चुके हैं जी। हुण जदों भी ग्रांट आएगी सब तो पहलों गुरद्वारा साहब दे जिहड़े एस्टीमेट लगे आ वो काम किया जाएगा, उस तो बाद फिर नाल पिंड दे जिहड़े सब जिन्ने विकास दे एस्टीमेट लाए आ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ? 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। 2.5 ਤੋਂ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜ ਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ।